दोस्तों मैं नरेश आपके सामने जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही जाते हैं, तो इनका आपको ज्ञान बेहद जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा क्रेज है। तो इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चनों को रट लेना चाहिए जो कि आपके सामने आ जाए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि आप आजकल हर कोई कंप्यूटर पर काम करना चाहता है। फर्स्ट है, कंप्यूटर में कोई विशेष काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? आपके सामने बी आपका राइट ऑप्शन है, एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड का उदाहरण है, आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, एमएस वर्ड क्या है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? यानी कि बी आपका राइट ऑप्शन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रण करता है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? यानी कि बी आपका राइट ऑप्शन है, सिस्टम नियंत्रण करता है, ये आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा कैसी हो सकती है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? आपका राइट ऑप्शन है बी, ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है, ये आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि ए आपका राइट ऑप्शन है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ये आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, मानव और कंप्यूटर के मध्य परस्पर संपर्क कौन स्थापित करता है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन करता है? यानी कि ए आपका राइट ऑप्शन है, सॉफ्टवेयर करता है, ये आपका राइट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन आपके सामने ऐसे बन के आ जाते हैं, एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की दक्षता को ऑपरेट करने और डाटा का ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए सहायता करता है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि डी आपका राइट ऑप्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका राइट ऑप्शन है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सारा ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए सहायता करता है। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ए दिया है उपयोगकर्ता के प्रोग्राम को स्वीकार करना, ये भी सही, और बी दिया है आपका प्रोग्राम का परिणाम उपयोगकर्ता तक पहुंचाना, ये भी सही, और सी दिया है आपका प्रोग्राम का पालन कंप्यूटर से कराना, ये भी सही। यानी कि ये सभी आपके सही हैं, तो यानी ऑप्शन हुआ उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है एमएस वर्ड, जो नहीं है, यानी कि बी आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का क्या नाम है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि ए आपका राइट ऑप्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि ए आपका राइट ऑप्शन है, लिनक्स, ये आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिग्नल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहलाता है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि डी आपका राइट ऑप्शन है, डॉस, ये आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, कार्यालय ऑफिस LANS जो भौगोलिक तौर पर बड़े पैमाने पर बिखरे हुए हैं, उनको किसके प्रयोग से जोड़ा जाता है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि डी आपका राइट ऑप्शन है, WAN, यानी कि इससे जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट है, एक बहुत ही सीमित भौगोलिक क्षेत्र, सामान्यतः एक ही बिल्डिंग में पर्सनल कंप्यूटरों को टिपिकली कनेक्शन करता है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि ए आपका राइट ऑप्शन होगा, LAN, यानी कि लैन। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में दो या अधिक कंप्यूटर और अन्य डिवाइसेस होते हैं जो डाटा और प्रोग्राम शेयर करने के लिए कनेक्टेड होते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? यानी कि ए आपका राइट ऑप्शन है, नेटवर्क्स। इंटरनेट के संबंधित ऐसे क्वेश्चन आते हैं, नेटवर्कों के नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि डी आपका राइट ऑप्शन है, इंटरनेट कहा जाता है।
नेक्स्ट है, किसी वेबसाइट के पहले प्रदर्शित होने वाले पेज को क्या कहते हैं? ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में जरूर पूछे जाते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा, यानी कि सी आपका राइट ऑप्शन है, होम पेज बोला जाता है। नेक्स्ट है, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है, यानी कि बी आपका राइट ऑप्शन है, वायरलेस फिडेलिटी, ये आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम है जो वेब और विशिष्ट किसको पहचानने के काम में आता है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, किसको पहचानने के काम में आता है, सी यानी कि वेबसाइट को पहचानने के काम में आता है। नेक्स्ट है, यूआरएल क्या है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं। आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, क्योंकि आप पढ़ने वाले ही बच्चे हैं जो मेरे चैनल को आप कंटिन्यू देखते हो। तो दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। नेक्स्ट है, विशिष्ट प्रोग्राम जो वेबसाइट पर सूचनाओं को सर्च करने में यूजर की मदद करते हैं, क्या कहलाते हैं? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा, यानी कि डी आपका राइट ऑप्शन है, सर्च इंजन, इसे बोलते हैं सर्च इंजन। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, आप ऐसे ही मेहनत करते जाइए, आप जरूर सफल होंगे, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन लेके आ रहा हूं वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके इंटरव्यू में और आपके एग्जाम में बिल्कुल आने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपके सामने ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहूंगा, बस आप ऐसे ही मेहनत करते जाइए और आप जरूर सफल होंगे। चिंता मत करो, आप जरूर सफल होंगे, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, आपके साथ साथ तीन परिवार आपसे जुड़े हुए हैं, क्या आप उन परिवारों को जहर दे दोगे? क्या आप उन परिवारों की देखभाल नहीं करोगे? दोस्तों, आपके साथ में तीन परिवार हैं, वो कौन कौन से हैं? आपकी माँ है, पिताजी हैं, आपके माता पिता और आपकी वाइफ, आपके बच्चे, ये तीन परिवार आपसे जुड़े हुए हैं। अगर मेहनत नहीं कर पाएंगे तो आप इन परिवारों को कैसे संभाल पाओगे? तो दोस्तों, आप ढंग से पढ़िए, दिमाग से पढ़िए, लगन से पढ़िए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो मैं चाहता हूं कि आप सबसे ज्यादा फोकस करें, तो बस आप अपनी स्टडी पर फोकस करें। तो दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।